गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 7.2 की प्रश्नावली। तो 7.2 की प्रश्नावली में ही आपको दो की प्रश्नावली के सूत्र ध्यान में होने चाहिए जिससे आपके प्रश्न छोटे हो जाएंगे। इसमें आपको दे दिया कि साइन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन करना है। साइन इनवर्स एक्स का आपको सूत्र दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको व्युत्पन्न करके दिखाना है। तो अपन इसके बराबर में क्या करेंगे, बराबर मैंने मान लिया हम वाई, साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो एक्स बराबर साइन, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, एक y का साइन y का कोस y और dy अपॉन dx। ये क्या आ गया, कोस y। अब इसको देखिए, मैं इस साइड लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा, एक बटा कोस y बराबर dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec y बराबर dy अपॉन dx। अब देखिए sin y बराबर अपना x था, तो जैसे मैंने x के बटा में क्या मान लिया, एक मान लिया, sin के बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान क्या हो गया x, कर्ण का मान हो गया एक, आधार का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो sec y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, sec y की जगह क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान एक, आधार का मान अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये sec y की जगह पर लिख सकते हैं, तो एक बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx। ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर चार। यही सूत्र था अपना किसका, साइन इनवर्स x। अब पांच नंबर में देखिए, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। तो आप एक बात का ध्यान करिए, ये शायद आपके दो की प्रश्नावली में सूत्र होगा। किसका सूत्र था, y बराबर 2 tan इनवर्स x का, किसका था 2 tan इनवर्स x का। y का करोगे तो dy अपॉन dx, 2 का 2, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना पांच के में पहला। पांच के में दूसरा देखिए, y का करेंगे तो dy अपॉन dx, साइन का एक बटा अंडर रूट वन माइनस कोस x की होल स्क्वायर, रूट का एक बटा दो रूट कोस x, कोस x का माइनस का साइन x। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x बटा अंडर रूट में ये आ जाएगा एक माइनस कोस x और ये दो रूट कोस x। ये हो गया अपना पांच के में पहला। दूसरा ये देखें, इसका dy अपॉन dx, पहले रूट का करेंगे तो एक बटा दो रूट कोस इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स का कोस का माइनस का एक बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी रूट एक्स की होल स्क्वायर, और रूट एक्स का एक बटा दो रूट एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का एक और नीचे चार रूट एक्स और रूट में कोस इनवर्स रूट एक्स और ब्रैकेट रूट में एक माइनस क्या आ जाएगा एक्स। ये हो गया अपना आंसर। ये देखिए चौथा, इसमें ये अपना सूत्र हो गया दो की प्रश्नावली में, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स की क्यूब बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, किसका हो जाएगा, वाई बराबर थ्री टेन इनवर्स एक्स का। तो वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, थ्री का थ्री टेन इनवर्स एक्स का एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, तीन बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना पांच का उदाहरण पूरा। अब देखिए छह के में पहला, वाई बराबर मान लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स का एक बटा एक प्लस एक्स यानी साइन ई की घात एक्स की स्क्वायर गुणा साइन का कोस ई की घात एक्स और ई की घात एक्स का ई की घात एक्स। क्या जाएगा आंसर, ई की घात एक्स कोस ई की घात एक्स बटा वन प्लस साइन स्क्वायर e की घात x। दूसरा देखें, y बराबर मान लेंगे तो dy अपॉन dx, साइन इनवर्स का एक बटा अंडर रूट वन माइनस रूट साइन एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, रूट का एक बटा दो रूट साइन एक्स की स्क्वायर, साइन एक्स की स्क्वायर का कोस एक्स की स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर का दो एक्स, दो से कट गया दो, ऊपर क्या बच गया x cos x की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट वन माइनस साइन
एक्स स्क्वायर रूट में साइन एक्स की स्क्वायर। ये हो गया अपना छह के में दूसरा। छह का तीसरा देखिए, एक बार आप इस पद को क्या मान लीजिए यू, तो ये अपना हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स यू, तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स यू का एक बट्टा वन माइनस यू स्क्वायर और यू का डी यू अपॉन डी एक्स। तो u का मान रख दीजिए तो एक बट्टा अंडर रूट वन माइनस ए प्लस बी कोस एक्स बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स। अब अपन को डी यू अपॉन डी एक्स का मान याद करना, यानी u का मान अपना हो गया ए प्लस बी कोस एक्स बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स। तो अपन करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, तो u अपॉन v से हो गया यानी एफ बट्टा जी से, तो क्या हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स जो का क्यों d अपॉन डी एक्स ए प्लस बी कोस एक्स माइनस ए प्लस बी कोस एक्स जो का क्यों और d अपॉन डी एक्स बी प्लस ए कोस एक्स। नीचे हो जाएगा b प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर b प्लस ए कोस एक्स, तो जो का क्यों a का जीरो, इसका b का b और साइन का कोस का माइनस का साइन, ये a प्लस बी कोस एक्स जो का त्यों b का जीरो और इसका माइनस का a साइन x बटा में b प्लस a कोस एक्स की होल स्क्वायर। इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का b साइन x के गुणा में b प्लस a कोस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस a साइन x और a प्लस b कोस एक्स, ये आ गया। अब इसके अंदर देखिए बटा में ये है बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर, इतना लिख दीजिए मान, या फिर इसको जैसे बी साइन एक्स को और ए साइन एक्स को अंदर गुणा कर दीजिए, एक पद कट भी जाएगा, तो जैसे क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस का बी ए साइन एक्स कोस एक्स प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स और प्लस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, नीचे बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये पद इससे कट जाएगा, क्या जाएगा साइन एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर। तो ये मान अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा एक बटा रूट वन माइनस ए प्लस बी कोस एक्स बटा बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर गुणा में आ जाएगा साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बी प्लस ए कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना छह के में तीसरा। सात के उदाहरण में पहला देखिए वाई बराबर हो गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स टेन का एक बटा एक प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हो जैसे सेक एक्स ले लिया कॉमन तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स और नीचे एक प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल स्क्वायर, इतना ही छोड़ सकते हो। ये देखिए ये वाई के बराबर, अब इसमें अपन का सूत्र नहीं बन रहा साइन इनवर्स के आगे सूत्र नहीं बन रहा, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपन इसमें एक्स बराबर लेके चलेंगे टेन थीटा, क्या लेके चलेंगे टेन थीटा, तो वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वाई बराबर ये किसका सूत्र होता है ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस ए टू थीटा का, तो यह आ जाएगा कोस टू थीटा, तो वाई बराबर साइन इनवर्स कोस टू थीटा, मैं लिख सकता हूं साइन नब्बे माइनस टू थीटा, यानी साइन नब्बे में से कुछ घटा दिया नब्बे पे कोस हो जाएगा टू थीटा, साइन से कट गया साइन, वाई बराबर आ जाएगा नब्बे माइनस टू थीटा, यहां से आप थीटा का मान निकालोगे ये इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो वाई बराबर नब्बे माइनस टू टेन इनवर्स एक्स,
y का dy अपॉन dx, 90 का 0, 2 का 2, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। तो ये पद यहाँ पे थीटा का मान रखना है, कभी आप थीटा का अवकलन, क्योंकि अवकलन अपन को किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो थोड़ा सा इस प्रश्न का ध्यान रखना। ये की बात अपन इस क्वेश्चन में लगाएं, इस क्वेश्चन में अपन देखिए क्या करेंगे कि अपना y बराबर है tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स। अब यहां पे x की स्क्वायर तो है नहीं, तो x की स्क्वायर नहीं है, इसलिए अपन यहां पे x बराबर लेके चलेंगे a cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा के रूप में क्या होता है, सूत्र। और a क्या है, a कॉमन आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट a माइनस a cos 2 थीटा और a प्लस a cos 2 थीटा, तो आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, एक कॉमन आ गया तो एक माइनस कोस टू थीटा बटा एक प्लस कोस टू थीटा, तो वाई बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बटा टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू कोस स्क्वायर थीटा, टू से टू कट जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, रूट से हट जाएगा, तो वाई बराबर टेन इनवर्स और क्या बन जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया थीटा। अब यहां से आपको निकालना है किसका मान, थीटा का मान, तो देखिए थीटा का मान आप किस प्रकार निकालोगे, आपके बराबर में है x बराबर a cos 2 थीटा, ये इस साइड गया तो cos 2 थीटा बराबर आ गया x बटा a, 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x बटा a, और थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 बटा 2 cos इनवर्स x बटा a, ये आ गया, यानी y के बराबर में ये मान आएगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, तो अपना y बराबर थीटा था, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा 2 cos इनवर्स x बटा a, तो y का dy अपॉन dx 1 बटा 2 का 1 बटा 2 cos इनवर्स का माइनस का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x बटा a की हो जाएगी, ये हो गया, और x बटा a का क्या हो जाएगा 1 बटा ए, तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का एक नीचे दो ए अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये हो गया अपना सात के में तीसरा। आप इस आंसर को इतना भी लिख सकते हो या इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे इसके लघुत्तम ले लिया बाहर जाएगा ऊपर ए से कट जाएगा, जो भी इच्छा आप कर सकते हो। सात के में लास्ट का है, इसमें ही वाई बराबर है, अपन इसमें x बराबर लेके चलेंगे tan थीटा, तो आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में x, तो ये उस x की सॉरी जगह tan थीटा, तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर sec थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा, y बराबर tan इनवर्स sec की जगह 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा sin थीटा बटा cos थीटा, तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स लघुत्तम आया cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा नीचे sin थीटा बटा cos थीटा, तो cos से cos कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया sin से स्क्वायर गई, y बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स और tan थीटा बाय 2, 10 से 10 कट गया y बराबर थीटा बाय 2, तो y बराबर थीटा का मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बटा 2, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 बटा 2 tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया अपना सात का उदाहरण। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखिए कि आपके मानने वाली जो बात है कि मान कैसे लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में आपको 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में किसमें हो 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में,
तो आप x की जगह tan थीटा भी ले सकते हो, cot थीटा। ये प्रश्न मैंने tan लेके किया है, आप कॉपी के अंदर ये कर लेना, बाद में आप रफ कॉपी के अंदर cot थीटा लेके और करना, cot से भी यही आंसर आ जाएगा। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह आपको tan थीटा cot थीटा लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह आपको sin थीटा और cos थीटा लेना है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा सूत्र होते हैं, इसी प्रकार 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी सूत्र होते हैं। और अगर यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक हो तो आप x की जगह क्या लोगे? sec थीटा और cos थीटा, क्योंकि sec थीटा भी सूत्र, sec स्क्वायर थीटा माइनस एक भी सूत्र होता है और cos स्क्वायर थीटा माइनस एक भी सूत्र होता है। अब इसी प्रकार अगर आपका आ जाए 1 माइनस एक्स, तो आपको x की जगह लेके चलना है 2 थीटा के रूप में। क्यों? क्योंकि x 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 1 प्लस x यानी 1 प्लस cos 2 थीटा दोनों ही क्या होते हैं सूत्र। 1 माइनस cos 2 थीटा इस जगह अपन लगा सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या लगा सकते हैं 1 प्लस x की जगह यानी 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा। अकेला आप थीटा भी ले सकते हो, 2 की भी आपको जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा अपना, ये चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है इन प्रश्न 7.2 की प्रश्नावली में। ये जो मानने वाले हैं ये अपने पास बहुत ज्यादा काम में। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा ले लिया, आप इसकी जगह क्या ले सकते हो? cot भी ले सकते हो। तो ये 7 उदाहरण हो गए हैं, बाकी एक उदाहरण बचा 8 का, वो करेंगे कल, और प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे कल। थोड़ा सा आप निकाल के देख लें।